80 फीट का दैत्य गायब कैसे हो गया। ऐसा माना जाता है कि भारी उल्कापात ने धरती से इनका वजूद मिटा दिया। वैसे जीव वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि करोड़ों साल पहले हिमयुग ने पृथ्वी से इनका नामो निशान खत्म कर दिया था। धरती पर बेखौफ घूमते महादानव डायनासोर, दुनिया में आए कुदरत के इस अजूबे का वजूद भी धीरे धीरे खत्म हो गया। इन महादैत्यों का समूल नाश कैसे हुआ, वैज्ञानिक इस राज से पूरी तरह पर्दा नहीं उठा पाए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बारे में जानकारों की अभी तक कोई आम राय नहीं बन सकी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 7 करोड़ साल पहले धरती से एक विशाल उल्का टकराई थी। इस भयंकर टक्कर से हुए विस्फोट के बाद पूरा वायुमंडल घने धूल के बादलों से भर गया। धूल की परत इतनी मोटी थी कि लंबे वक्त तक सूरज की रोशनी भी यहां नहीं पहुंच सकी। इतनी लंबी रात की वजह से तापमान गिर गया और डायनासोरों के लिए खाना भी कम पड़ने लगा। आखिरकार भीषण ठंड और भूख की वजह से इन महादैत्यों का वजूद इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि डायनासोर खुद को बदलते हालात के साथ बदल नहीं पाए और ये विशालकाय जानवर खुद अपनी मौत मारा गया, यानी डायनासोर का भारी भरकम आकार ही उसके वजूद का दुश्मन बन गया। 80 फीट के दैत्य के सबसे बड़े निशान पर यह था हमारा आज का विशेष।